हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप भाइयों को बताने वाला हूं, अगर आपके पास कोई आईटेल का मोबाइल है या ऐसा कोई है जिसमें एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, तो उस मोबाइल को आप कैसे अनलॉक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, लेकिन आपको वीडियोज़ कम्प्लीट देखनी होगी, ठीक है। तो बहुत सारे भाई मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा कोई टूल लग गया है जिसमें हम एसपीडी के मोबाइल जो है वो अनलॉक कर सके। तो मेरे भाई ये वीडियोज़ आप भाइयों के लिए, और कुछ भाई ऐसे भी हैं जो कमेंट कर रहे थे कि आप फेक वीडियो बनाते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है फ्री टूल के ऊपर, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप झूठी वीडियो बनाते हैं, फेक वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई उन भाइयों को भी कहना चाहूँगा, कोई मैं आपको गलत तो नहीं कहता हूँ, बिल्कुल आप भी मेरे भाई हैं, अगर आप वीडियोज़ कंप्लीट नहीं देखते हैं तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कमेंट कर लेते हो कि भाई आप फेक बनाते हो वीडियो, तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप वीडियोज़ कंप्लीट देखा करें ना तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, आप मोबाइल भी अनलॉक कर सकते हो। और कुछ भाई है जिसको समझ नहीं आती है, ठीक है, इसलिए ये मैंने तीन मोबाइल रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखें, ये आईटेल का एक छोटा मोबाइल है, ये आईटेल का बड़ा मोबाइल है, और ये मोबाइल बिगोडल का है, ठीक है, जिसमें एसपीडी सीपीयू नहीं है, मीडियाटेक का सीपीयू है, ठीक है। ये एसपीडी के हैं दोनों, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो अलग अलग है, ठीक है। एक ही सिस्टम इसका नहीं है जिसमें आप एक ही तरीके से अनलॉक कर सकें इसको, ठीक है, तो वो इसका सिस्टम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, इसलिए ये मैंने तीन रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आपको फुल जानकारी दूंगा आपसे क्यों नहीं अनलॉक होते हैं, ठीक है। कुछ भाई वीडियोस कंप्लीट देखते हैं फिर भी अनलॉक नहीं होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई वीडियोस नहीं देखते हैं इसलिए काम नहीं होता है, तो कुछ भाई वीडियोस भी देख लेते हैं लेकिन उससे अनलॉक फिर भी नहीं होता है, तो उसकी वजह मैं आप भाइयों को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इसलिए ये मैंने तीन प्रकार के मोबाइल रखे हुए हैं। तो वीडियोज़ आप सिर्फ कंप्लीट देख ले। वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को दबा दें तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सकें। तो आप देखें, इसमें भी एसपीडी सीपीयू है, इसमें भी एसपीडी है, इसमें है मीडियाटेक का सीपीयू, ठीक है। अब ये दो मोबाइल है, ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी लॉक मैंने हाथ से लगाया है सिर्फ आपको सिखाने के लिए, तो इन दोनों को मैं बंद कर लेता हूँ, ये बंद होने चाहिए मोबाइल, ठीक है। तो ये मोबाइल हो चुके हैं हमारे बंद। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर चेक करना सीखेंगे, ठीक है। ड्राइवर चेक करना ज़रूरी है, तो अभी कंप्यूटर पे आप देख रहे हो, मैं कंप्यूटर पे जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद जाएंगे हम प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, नीचे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे भाइयों को ये ड्राइवर चेक करना भी नहीं आते हैं, ठीक है, तो अभी मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसके बाद हम साइड पर देखेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हो डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सब भाइयों को देखने को मिलेगा ये डिवाइस मैनेजर। आपके पास विंडोज 7 है, 10 है, कोई भी विंडोज़ है, ठीक है, तो ये जो डिवाइस मैनेजर है ना हर किसी कंप्यूटर में होता है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये मोबाइल में बड़े वाला जो है लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं मोबाइल हमारा कनेक्ट हो चुका है, SPRD दिखा रहा है, ठीक है, SPD का मोबाइल है। तो अब इसको हम रख लेते हैं, उसके बाद इस मोबाइल को चेक करेंगे, ठीक है। आपके सामने मैं कर लेता हूँ इसका भी, ये बूट बटन जो है, ये SPD मोबाइल का बूट बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। इसका मेन्यू वाला बटन जो है, ये बूट बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं हम और ये लगा देते हैं। तो आपके सामने ये भी SPRD दिखा रहा है, ठीक है, तो ये भी SPD का है लेकिन अलग अलग है मोबाइल, ठीक है। आपको मैं चेक करवाता हूँ टूल ओपन करके। अब ये मोबाइल हमारा जो है ये है मीडियाटेक का, ठीक है, अभी देख लेते हैं हम, ये आ रहा है मीडियाटेक का, ठीक है, आपने देख लिया, ये है मीडियाटेक का। अब मैं आप भाइयों को अनलॉक करने का तरीकाकार बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। अभी आपने देखा है, ठीक है, इसमें SPD दिखा रहा था और इसमें मीडियाटेक, ठीक है। तो अब टूल जो है मेरिकल 2.82, यही हम ओपन करते हैं। बहुत सारे भाइयों के पास ये मेरिकल 2.82 है, ठीक है, लेकिन उसको चलाने का तरीका नहीं आता, ठीक है। और जिस भाइयों के पास ये नहीं है उसको मैं डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड होगा, ठीक है। वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इंशाल्लाह आप भाइयों के, तो इंशाल्लाह आप भाइयों को वीडियोस अच्छी लगेगी, ठीक है। अभी हम देखें, मैंने टूल ओपन करके रखा है, सबसे पहले हम जाते हैं SPD के ऊपर, ठीक है, SPD के ऊपर आ चुके हैं हम। उसके बाद इसका जो है बोर्ड जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसका CPU है सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे बिल्कुल नीचे। अब ये आप देख रहे हो 6631E आगे लिखा हुआ है SP, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसको रीड अनलॉक, ठीक है,
यहाँ क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे। अब ये मोबाइल कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल लगा लेंगे। आपके सामने मैं लगा लेता हूँ, ये इसका बूट बटन है, ये प्रेस करेंगे, ये आपके सामने मैंने लगा लिया। तो ये आपके सामने मोबाइल जो हमारा रीड हो रहा है, ठीक है। तो मोबाइल रीड हो जाएगा, ये आपने देखा है मोबाइल रीड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखें ये अनलॉक कोड दिखा रहा है, ठीक है, देख लें ये अनलॉक कोड, बाकी आपको छोड़ देना है। अनलॉक कोड जो दिखा रहा है ना, ये आपको इसमें लगाना है मोबाइल में, ठीक है। अभी मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ, इसमें मैंने खुद हाथ से लगाया था 1234, ठीक है, यही पासवर्ड लगाया था। अब मोबाइल हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बैटरी निकाल के दोबारा लगानी है, ठीक है, बैटरी दोबारा लगानी होगी। मैं आपके सामने लगा लेता हूँ, वन टू थ्री फोर, ठीक है, ये पासवर्ड लगाया, मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। तो इसको रख लेते हैं, अब इसी मेथड से हम इस मोबाइल को अनलॉक करेंगे, ठीक है। आपके सामने मैं कर लेता हूँ स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ये इसका बूट बटन है, बूट बटन प्रेस करेंगे, अब ये मोबाइल हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने देखा ये प्लीज़ री पावर ऑन ऑफ लिखा हुआ आ गया, ये बोल रहा है कि आपका मोबाइल जो है दोबारा बंद करके फिर से लगाएं, ठीक है, बैटरी निकाल के दोबारा लगाएं और फिर से ये आपको कनेक्ट करना होगा। लेकिन मैं आप भाइयों को बता दूं, क्योंकि ये हम बार बार ऐसे ट्राई करते रहेंगे, हमारा मोबाइल अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इसका जो अंदर CPU लगा हुआ है, ठीक है, वो अलग है। तो अभी मैं इसका बोर्ड जो है आपको दूसरा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यही मेन रीज़न होता है जो आपसे मोबाइल कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, अनलॉक नहीं होता है, यही रीज़न होता है। आप सोचते हो कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एक ही मेथड से सारे मोबाइल हो जाएं, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं ये भी लगा के आप भाइयों को दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इधर ही क्लिक करते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी देखें, सोचते हैं कि सारे कीपैड के हैं, तो कीपैड के हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद ये लगाएंगे हम, ठीक है, आपके सामने जीरो वाला इसका बूट की दबा देते हैं। अब मोबाइल हमारा तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इस जगह पे, ठीक है, कंप्यूटर में तो कुछ भी शो नहीं करवा रहा है ना, कोई भी इधर रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल मीडियाटेक का है। हम SPD वाला मोबाइल लगाने की जगह पे मीडियाटेक का लगा देंगे तो कैसे काम होगा, नहीं हो सकता है ना। तो मेरे भाई ये आपको ख्याल रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी मोबाइल को अनलॉक करेंगे, मीडियाटेक का तो इस मेथड से हो ही नहीं सकता, तो इसी मोबाइल को करेंगे, ठीक है। इसका सिर्फ बूट जो है और सेलेक्ट कर लेते हैं हम, CPU इसका जो है, ठीक है। अब ये आपको देखने में मिलेगा, ज़्यादातर 6531 होता है ना, ये होता है कीपैड मोबाइलों के लिए, यही होता है 6531। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब इनका बूट बटन जो है प्रेस करेंगे, और हम ये सारे बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बूट बटन एक काम नहीं कर रहा है तो सारे प्रेस करेंगे। मैं आपके सामने कर लेता हूँ सारे प्रेस, और मोबाइल को लगा देता हूँ। अब ये आपके सामने कोई भी इस पर प्रॉब्लम नहीं दिखाया फ़िलहाल, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे क्या होता है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, फिर से नहीं होता है, तो हमें दोबारा कनेक्ट करना होगा मोबाइल, ठीक है। मैं आपके सामने लगा लेता हूँ, फिर से निकाल दिया है, नहीं तो अगर यही बूट नहीं काम करता है फिर से वही हम लगाएंगे, लेकिन अनलॉक करके मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा, ठीक है। आपको हार नहीं माननी है, बस क्या करते हैं बहुत सारे भाई, बस छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर से मैं आप भाइयों को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब ये फिर से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं हम, नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, वही बूट सेलेक्ट करेंगे, CPU वही सेलेक्ट करेंगे, 6531 वाला, फिर देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं फिर से स्टार्ट, और बैटरी आपको दोबारा लगानी होगी। तो मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि फुल डिटेल में वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती है। और मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप भाइयों को दे दूँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो अगर आपको टूल वगैरह चाहिए तो, ठीक है। मैं देखता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, नहीं तो मैं डाउनलोड भी आपको करके दिखा देता हूँ। अभी ये हो चुका है कनेक्ट, आप देख रहे हो, ठीक है, सारे बटन प्रेस करने होंगे आपको, मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, अब ये रीड हो रहा है, ठीक है, मोबाइल को निकाल लेंगे। अब इसका अनलॉक कोड ये दिखा रहा है, ठीक है, मैंने लगाया था 00 वाला, अभी आप देख रहे हो ये वाला 00 वाला। तो अभी मैं आपके सामने ऑन कर लेता हूँ मोबाइल को, ठीक है,
ऑन नहीं हो रहा है, बैटरी निकाल के दोबारा लगाएंगे। ठीक है, मोबाइल ऑन हो चुका है, अब हम लगाएंगे 00 वाला कोड। ठीक है, इसका 40 है, लगा लिया, मोबाइल ऑन हो चुका है। तो देखें अभी वीडियोस 10 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप भाइयों को ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, टूल टूल कैसे डाउनलोड होता है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आप भाइयों को, बाकी की ये रिकॉर्डिंग मुझे बाद में, मोबाइल को आप कर देते हैं साइड पे, ये डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको कर देते हैं साइड पे अब। ठीक है, ये सारा कुछ कट कर लेते हैं, अभी कुछ वीडियोस में शोर आएगा क्योंकि ये अभी शॉप पे बैठ के ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरा माइक जो है डिसकनेक्ट हो चुका था, मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी हम इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ठीक है, पहले इसका नेम जो है कॉपी कर लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मेरिकल 2.82 लिखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी आपको नहीं टाइप करना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके फिर ये ब्राउज़र जो है ओपन करेंगे, फिर आप भाइयों को डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो अभी हम इंटरनेट जो है कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंतज़ार करते हैं इसका कनेक्ट होने का। तो दोस्तों इंटरनेट हमारा कनेक्ट हो चुका है, अब हम कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आपके पास कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र है वो आप ओपन कर सकते हो, मैंने ये गूगल क्रोम जो है ओपन कर लिया है, अब ये पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ये देखने में आएगा। ठीक है, देखें मेरिकल थंडर लिखना है, मेरिकल थंडर 2.82 लिख सकते हो आप, या मेरिकल 2.82 इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको सर्च करना है, ये पहले नंबर पे आप वेबसाइट जो देख रहे हो ना, ये पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपका टूल जो है ऑन क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है ये टूल आप भाई डाउनलोड कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।